वीडियो है थोड़ा स्पेशल, बिकॉज आज मैं ट्राई करने वाली हूँ सबसे चीपेस्ट फाउंडेशन। इस फाउंडेशन को यूज करके मुझे याद आ गई अपने कॉलेज डेज की, जहाँ पे हमारी पॉकेट मनी होती थी लिमिटेड एंड हम कभी कभार मेकअप करते थे। सो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए होते थे जो हमारे फेस को ग्लो दें एंड वो हैवी ना लगे। सो जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ वो हाल ही में लॉन्च हुआ है। इसका नाम है पॉन्ड्स का बीबी प्लस क्रीम। ये आपको देता है इंस्टेंट स्पॉट कवरेज, लाइट मेकअप ग्लो। ये है एक विटामिन एनरिच्ड क्रीम और साथ ही है एक लाइट वेट फाउंडेशन। सो कॉलेज में ऐसा होता है कि हमारी पॉकेट मनी काफ़ी कम होती है और हम ऐसे ही क्रीम ढूंढते हैं जो हमारे फेस को थोड़ा सा ग्लोई बना दे एंड देखने से बिल्कुल ना लगे कि भाई हमने फाउंडेशन लगाया है। एंड उस टाइम पे तो थोड़ा पॉकेट का क्रंच भी रहता था। सो मैं अपने कॉलेज टाइम में यूज़ करती थी ग्लोमी पाउडर आया था शायद उस टाइम, वो यूज करती थी कि मेरा फेस थोड़ा सा फ्रेश लगे, बिकॉज दिन भर कॉलेज में घूमना तो स्किन एकदम ही डल हो जाती थी। सो मैं कहूंगी कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हर कॉलेज गोइंग को अच्छा लगेगा इफ लाइक दे डोंट वॉन्ट टू स्पेंड मच ऑन मेकअप। सो ये तो हो गई कॉलेज के दिनों की बात। सो जो आप ये पॉन्ड्स का पैकेट देख रहे हैं ये है ऑफ 18 ग्राम एंड ऑफ 129 रुपीज। सो अभी मेरे पास जो फाउंडेशन का कलेक्शन है उसमें से ये है सबसे चीपेस्ट। सो मैं इसका तो डिटेल रिव्यू करूंगी ही करूंगी, साथ ही मैं इसको कंपेयर करूंगी लैक्मे 925 के साथ, बिकॉज अगर ये मेरे पास सबसे चीपेस्ट है तो ये सेकेंड नंबर पे है ऑफ द चीपेस्ट वन, बिकॉज ये अराउंड 400 या 500 रुपीज का है। सो मैं अपने हाफ फेस में इसे अप्लाई करूंगी एंड हाफ फेस में इसे अप्लाई करूंगी सो दैट हमें समझ में आए कि आपको सच में कितना इंस्टेंट स्पॉट कवरेज मिलता है पॉन्ड्स के बीबी क्रीम से। सो कंपैरिजन तो मैं करूंगी लेकिन बाद में, सबसे पहले आते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। सो जो ये बीबी प्लस क्रीम है ये पॉन्ड्स ने हाल ही फिलहाल में लॉन्च किया है। इस क्रीम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 शेड्स में आता है, पहला लाइट दूसरा डार्क। मे बी बिकॉज इसलिए क्योंकि ये एक लाइट फाउंडेशन टाइप का है जो कि आपको थोड़ा लाइट मेकअप ग्लो दे। सो इसमें इनका क्लेम ये है कि ये आपको देता है इंस्टेंट स्पॉट कवरेज। सो आप जैसे इसको लगाओगे आपके जितने भी डार्क स्पॉट हैं वो सारे छुप जाएंगे। अगर आपका फेस डल है तो उसमें ये लाएगा ग्लो। इसके अलावा ये आता है SPF 30 PPP+ में। सो इन्होंने थोड़ा सनस्क्रीन भी ऐड किया है ताकि आपको सन प्रोटेक्शन भी मिले। जो इसके 2 शेड्स हैं, एक है आइवरी दैट इज नोन एज द लाइट शेड जो कि यूज होते हैं वाइट स्किन टू मीडियम स्किन, दूसरा है नेचुरल दैट इज द डार्क शेड दैट कैन बी यूज बाई मीडियम टू डार्क पीपल। सो आपको इसमें अपना एग्जैक्ट शेड ढूंढना तो मुश्किल होगा। सो आप बस देख सकते हो भाई, अगर मैं मीडियम हूँ तो मैं लाइट लूंगी, अगर मैं डार्क हूँ तो मैं नेचुरल लूंगी। सो दैट इज द ओनली डिफ्रेंशिएशन पॉइंट इन दिस प्रोडक्ट। जब आप इसका एडवर्टीजमेंट देखोगे तो वहाँ पे आप देखोगे इन्होंने ये क्लेम किया है कि ये आपको देता है लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। इस क्रीम में इन्होंने यूज किया है विटामिन B3, विटामिन E एंड एलोटिन। सो इनका कहना है कि ये सारी चीजें मिलके आपके अनइवन स्किन टोन को इवन बनाती हैं एंड आपके फेस को ब्राइट बनाती हैं। सो ये सब तो हो गया इनका क्लेम। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आते हैं कंपेरिजन पे। तो सबसे पहले तो मैं यही क्रीम को अप्लाई करने वाली हूँ, बिकॉज इन्होंने कंप्लीट इंस्ट्रक्शन भी दिया है इसको अप्लाई करने के लिए। इन्होंने कहा है कि अपने फेस पे छोटे छोटे से डॉट्स बना लो एंड अपने फिंगर टिप्स के हेल्प से इसको स्प्रेड कर लो, बिकॉज इट इज वेरी लाइट वेट एंड ये इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं मेरे फेस को। सो ये अगर आप देख सकते हो तो मेरे इस साइड के फेस में आपको चीजें दिख रही होंगी, थोड़े बहुत से स्पॉट्स होंगे राइट, एंड इस साइड के फेस में आपको यहाँ पे थोड़े से पिंपल एंड स्पॉट्स दिख रहे होंगे। तो चलिए मैं इसको अप्लाई करती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। तो इनकी बताई हुई टेक्निक को मैं यूज कर रही हूँ। मैं अपने फेस में छोटे छोटे से डॉट अप्लाई कर लेती हूँ। बट आई डोंट थिंक सो ये फिंगर के टिप्स की हेल्प से अच्छे से आपके स्किन में मिल पाएंगे।
बट मैं ट्राई करती हूँ। सो आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ज्यादा वाइट हो गई है ना, इसको टाइम लगेगा आपके स्किन में एब्जॉर्ब होने में। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जो इसका शेड है वो मेरे स्किन टोन के एग्जैक्ट मैच का नहीं है, सो इसको मेरे स्किन में सेट होने में टाइम लगेगा। मैं थोड़ी सी क्वांटिटी अपनी अंडर आई एंड अबव आई पे भी लगा लेती हूँ, बिकॉज इससे क्लैरिटी हो जाएगी कि जो आपके डार्क सर्कल्स हैं वो किस लेवल तक ये हाइड कर सकता है। सो मैंने इसको अपने अंडर आई एंड अबव आई पे भी लगा लिया है, एंड आप देख सकते हैं स्पॉट इतना ज़्यादा तो कवर नहीं हुआ है, बट हाँ काफ़ी कवर कर दिया है। एंड अगर मैं बात करूँ तो ऐसा लग नहीं रहा कि मैंने ज़्यादा कुछ अप्लाई करा हुआ है, ये इतना हैवी लुक नहीं दे रहा। सो ये लाइट मेकअप है, इंस्टेंट स्पॉट कवरेज देता है, और मैं कहूँगी कि ठीक है, बट स्किन में ना थोड़ा सा लाइट वेट है बट इतना अच्छा फील नहीं हो रहा। इस साइड के फेस में मैंने लगा रखा है पॉन्ड्स बीबी क्रीम, एंड इस साइड में मैंने कुछ भी नहीं लगा रखा। सो मैंने इसको अंडर आई एंड अबव आई लगाया था ताकि आपको समझ में आए कि ये कितना कवरेज देता है। सो आप डिफरेंस देख सकते हो, इसने थोड़ा कवरेज तो दिया है हल्का, अगर इसका नाम ही है लाइट मेकअप लुक राइट, सो आपको इसमें लाइट मेकअप ही दिख रहा होगा, ये ज़्यादा आपके फेस में हैवी नहीं लग रहा। सो आप ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि आपने कुछ लगाया हुआ है राइट। बाकी लगाने में ये फिंगर टिप से इजीली लग गया था, सो इन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो सही दिया है कि आप इसको अपने फेस पे डॉट डॉट करके अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से भी लगा सकते हैं, और अगर आपके पास ब्लेंडर है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। मैंने हैंड्स का यूज इसलिए किया था क्योंकि मैं पॉन्ड्स के दिए गए डिस्क्रिप्शन को चेक कर रही थी। आप देख सकते हो मेरे जो डार्क सर्कल, हल्के से डार्क सर्कल पड़ते हैं, उसको इसने काफी अच्छे से कवर किया राइट। अगर आपको 100 रुपीज में इतना अच्छा कवरेज मिल रहा है, आपको और क्या चाहिए। एंड ऊपर भी मैंने हल्का सा ना रूज अप्लाई किया हुआ था, सो यू कैन सी हल्का सा रूज आपको यहाँ पे दिख रहा है, बट दैट इज इंटायरली कवर्ड ओवर हेयर। सो ये अच्छा कवरेज दे रहा है नो डाउट। बात आती है अगर स्पॉट कवरेज की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा छोटा सा स्पॉट है जो कि अभी स्टिल विजिबल है, बट बींग 100 रुपीज आई थिंक इट्स ओके, एंड इनफैक्ट इट्स वेरी गुड टू गो विथ। अब मैं दूसरे साइड ऑफ द फेस में अप्लाई करती हूँ 9 to 5, ये अराउंड 400 का आता है। अगर आपने इसका डिटेल वीडियो रिव्यू नहीं देखा तो ऊपर आ रहे लिंक पे क्लिक करें। सो मैं इसको इसलिए अप्लाई कर रही हूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि एक तरफ अगर आप 100 रुपीज का फाउंडेशन खरीद रहे हो लाइट वेट, तो वो कैसा फील होता है एंड कैसा लुक देता है, एंड वहीं पे अगर आप लैक्मे का 500 का ले रहे हो, सो वो आपको कितना ज़्यादा कवरेज या आपको कितना ज़्यादा ग्लो दे सकेगा। सो इट्स कम विद द स्टिक, तो मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ अपने हाफ ऑफ द फेस पे। एंड इसको भी मैं अपने अंडर आई एंड अबव आई लगा लेती हूँ सो दैट हम कवरेज को कंपेयर कर सकें। सो मैंने लगा लिया है, अब मैं ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। तो मैंने अपने फेस में अच्छे से लैक्मे 9 to 5 को भी लगा लिया है। अब आप मेरे फेस को ध्यान से देखें, अगर बात करें स्मूदनेस की, नो डाउट 9 to 5 ने मुझे बेटर स्मूथ स्किन दिया है। सी इस साइड ज्यादा स्मूथ लगेगा इन कंपेयर टू दिस साइड। लेकिन अगर हम बात करें स्पॉट कवरेज की, सो आप क्लियर कट देख सकते हो लैक्मे 9 to 5 मैंने यहाँ पे लगाया था डार्क सर्कल के नीचे राइट, यहाँ पे और यहाँ पे देखिए। सो आपको पॉन्ड्स बीबी क्रीम में ज्यादा कवरेज मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरे डार्क सर्कल काफी कम दिख रहे हैं इन कंपेयर टू दिस वन। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आईलिड्स की, सो आप देख सकते हैं आईलिड्स पे भी पॉन्ड्स बीबी क्रीम ने ज्यादा अच्छे से काम किया है इन कंपेरिजन टू लैक्मे 9 to 5 राइट। यहाँ पे आपको हल्का सा रेडिश दिख रहा होगा, आई डोंट नो वेदर इट्स विजिबल प्रॉपरली इन कैमरा और नॉट, बट यहाँ पे आपको हल्का सा रूज दिख रहा होगा, बट इसने प्रॉपरली कवर कर लिया राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्पॉट कवरेज की,
सो यहाँ पे मेरे ना दो तीन पिंपल थे जो कि काफी विजिबल थे, बट लैक्मे 9 to 5 लगा के वो काफी हद तक कम हुए हैं, बट इसमें थोड़े से कम हुए हैं, मतलब इसमें थोड़े से विजिबल हैं अभी भी पॉइंट्स में, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ हाउ आई एम फीलिंग, सो इस साइड मुझे बेटर फील हो रहा है, मतलब इतनी कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने फेस पे कुछ लगाया है, जबकि इस साइड मुझे थोड़ी सी ना हल्की सी इचनेस आती है, आई डोंट नो व्हाई। लैक्मे 9 to 5 का जो फाउंडेशन है ना वो इतना ज्यादा लिक्विडी है कि आप जब उसको फेस पे लगाओगे ना तो उसको थोड़ा सा चिप चिप सा लगेगा एंड थोड़ा सा इरिटेशन देता ही है। सो आउट ऑफ दीज टू आई पिक पॉन्ड्स बीबी प्लस क्रीम, बिकॉज ये सस्ता भी है, 129 का है ये, एंड मोर ओवर मुझे लग रहा है कि ये मेरे को बेटर यू नो कवरेज दे रहा है और मुझे बेटर फील भी हो रहा है। जहां तक बात है स्मूदनेस की, तो ऑब्वियसली लैक्मे 9 to 5 ज्यादा दिखने में स्मूथ लग रहा है इन कंपेयर टू पॉन्ड्स बीबी प्लस क्रीम, बट दैट्स ओके, हम इसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लेंगे सो वो भी कवर हो जाएगा। सो जस्ट टू क्लैरिफाई वन थिंग, मैंने ये दोनों ही फाउंडेशन विदाउट प्राइमर यूज किया है, बिकॉज जो मैंने दूसरा प्रोडक्ट लिया था वो लैक्मे 9 to 5 का प्राइमर प्लस मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन था, बट इसके बावजूद एक 129 रुपी का फाउंडेशन क्रीम ने मुझे बेटर कवरेज दिया है, दैट्स शॉकिंग, राइट। सो या आई प्रिफर पॉन्ड्स बीबी प्लस क्रीम, ये पॉन्ड्स ने वाकई बहुत अच्छा यू नो बीबी क्रीम निकाला है एंड आप इसको डेली यूज कर सकते हो, सिंस इसमें SPF भी है, बिकॉज ये एक बीबी क्रीम है, सो SPF 30 इज नॉट बैड, इट्स क्वाइट गुड। एंड प्राइस वाइज बस मुझे एक ही से प्रॉब्लम लगी कि इसमें आपको ज़्यादा शेड्स नहीं है, सो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है एंड गुड थिंग भी हो सकता है, बिकॉज हाफ द टाइम हम ऑनलाइन परचेज करते हैं एंड वी डोंट नो कि हमें कौन सा शेड लेना चाहिए, राइट। सो उस हिसाब से इट्स गुड, बिकॉज यू आर क्लियर, राइट, कि भाई या तो मैं लाइट लूंगा या तो मैं डार्क लूंगा, सबको इतना तो पता होता है, एग्जैक्ट शेड तो नहीं पता होता। सो उस हिसाब से आई थिंक पॉन्ड्स बीबी प्लस क्रीम इज क्वाइट अ गुड क्रीम टू गो फॉर, एंड आई एम स्टिल शॉक्ड, बिकॉज ये जो मैंने टेस्ट किया है ना, ये मैंने लाइव करा है, मैंने इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया, आई एम डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई एम माई सेल्फ शॉक्ड। मुझे लगा था यार लैक्मे 9 to 5 या 500 का फाउंडेशन बेटर कवरेज देगा, बट ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया, बट गुड फॉर मी, राइट। आप लोगों के कारण मुझे भी पता चल गया यार कि प्राइस में मत जाओ, प्रोडक्ट पे जाओ, राइट। जो प्रोडक्ट आपको अच्छा इफेक्ट दे, जो प्रोडक्ट आपको सूट करे, चाहे वो किसी भी प्राइस का हो, मेरे हिसाब से आपको वो लेना चाहिए, बिकॉज आजकल क्या हो गया है ना कि हम प्राइस को बहुत ज्यादा कंसिडर करते हैं, हम ये सोचते हैं यार ये 1200 का ये बेटर होगा, ये 100 का यार ये क्या ही करेगा, ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो यू नो कम प्राइस के भी ना काफी अच्छे निकलते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू।